बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स फॉर 18 जुलाई 2019। नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड की इस वीडियो में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा, ये जो वीडियो यहां से आगे अभी आप रेगुलर बेसिस के ऊपर में देखेंगे सबसे पहली बार, और ये वीडियो में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतने बताएंगे कि कल मेरे रेडार के ऊपर में कौन से स्टॉक्स है जो मैं आज तक टेलीग्राम पर देता था, अब यहाँ से आगे वो वीडियो के स्वरूप में आएंगे, ताकि मैं आपको और क्लियरली बता पाऊँ कि इन स्टॉक्स के ऊपर में ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर एक वीडियो में यही सारी बातें क्लैरिफाई मैं करूंगा, और ये जो मैं अभी बातें क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ, हर एक वीडियो में यही सारी की सारी बातें क्लैरिफाई करना जरूरी, क्योंकि जब लोग उसके ऊपर में ट्रेड्स करते हैं, जब ये जो स्टॉक्स में रिसर्च करके जो निकालता हूं मैं, इसको किस तरीके से देखना है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो स्टॉक्स मैं आज के बाद आपको वीडियो में मिलने वाले हैं, इनके ऊपर में मैं स्वयं ट्रेड नहीं कर सकता। उसके पीछे का कारण ऐसा है, मेरे साथ में यूट्यूब के ऊपर में लगभग 23,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, और टेलीग्राम पे लगभग 7,000 प्लस मेरे 6,500 प्लस मेरे को सब्सक्राइबर्स है। तो जब कोई इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर में जब ऐसे कोई ट्रेड देता है, तो हम लोग वो स्वयं ट्रेड नहीं कर सकते। ये मेरे लीगल एडवाइजर ने मुझे ये सलाह दी है, तो इसकी वजह से कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी वजह से मैं ये जो ट्रेड्स आपको दे रहा हूँ ये मैं स्वयं नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आपको ट्रेड किस फॉर्मेट में मिलेंगे, जो अभी तक आप टेलीग्राम पर देखते आ रहे थे कि ACC बाई बायोकॉन्सेल, इसी तरीके से मिलेंगे। ट्रेड की एंट्री प्राइस रहेगी, स्टॉप लॉस प्राइस रहेगी और टारगेट प्राइस रहेगी। स्टॉप लॉस और टारगेट को केवल मात्र वर्स्ट कंडीशन में ही आपको, स्टॉप लॉस को तो आपको वर्स्ट कंडीशन में ही देना है। ये जो भी ट्रेड्स मैं आपको निकाल करके दूंगा, ये दिखने में वैसे बहुत सिंपल दिखते हैं, लगता है कि हाँ ये तो क्या है, नॉमिनल सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख करके ट्रेड निकाला हुआ है, या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई वो देख करके ट्रेड निकाला हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें और भी छोटी छोटी बातें ऐड होने के वजह से ये ट्रेड्स और भी ज़्यादा क्रूशल होते हैं, और आप देखेंगे, अगर आपको देखना है आप पिछले एक महीने का जाकर के हमारा टेलीग्राम का रिजल्ट उठा करके देख लीजिएगा। होता यह है, हमारा जब वो लेवल ट्रिगर होता है, वहां से स्टॉक एक्सप्लोजिव मूव करता है, जो कि एक्सप्लोजिव मूव आपको इंट्राडे ट्रेड करते समय जरूरी है, राइट। जो कि स्कैल्पिंग हम लोग करते हैं, उस तरीके की स्कैल्पिंग करने के लिए एक्सप्लोजिव मूव आपको एक पर्टिकुलर लेवल से आना जरूरी है। 60% टाइम जो जिस डायरेक्शन में मैंने दिया, उसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर ट्रेड जाएगा। मान के चलिए मैंने कोई एक स्टॉक बाय दिया तो वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। 40% टाइम ऐसा हो सकता है कि वहां से रिवर्स करे, वो रिवर्स ट्रेड आप लोग नहीं ट्राई करेंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ये सारे के सारे ट्रेड्स बड़े आराम से निकाल लेंगे, सपोर्ट के ऊपर में दे रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर में दे रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल, ये तो हमारी सबसे बेसिक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग कुछ स्टॉक्स निकालते हैं। लेकिन उसमें जब छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है, जब आप करने के लिए बैठोगे, मान के चलिए अगर आपने अभी फॉर एग्जांपल मैंने आज का कोई ट्रेड दिया है और किसी को ऐसा क्लिक हुआ कि ओहो ये तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर में निकाला हुआ ट्रेड है, जब आप निकालने के लिए बैठोगे तो 165 टू 200 स्टॉक जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं, जब आप निकालने के लिए बैठोगे तो समझ में आएगा कि 50 ट्रेड तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे ही निकल गए। फिर उसमें से और फिल्टर आउट कैसे किए, फिल्टर आउट करने की कुछ छोटी छोटी बातें, फिर उसमें से भी यही पर्टिकुलर ट्रेड्स क्यों दिए, वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग पेड प्रोग्राम में सिखाते हैं। लेकिन खैर, जो पेड प्रोग्राम में सिखाते हैं उसके लिए तो फीस देनी पड़ती है, अगर आप फ्री में भी बेनिफिट उठाना चाहते हो तो ये वीडियोज़ को आप बड़े आराम से फॉलो कर सकते हो। और ये सारा का सारा पार्ट प्री ओपन मार्केट का है, ठीक है। प्री ओपन मार्केट मतलब ये आज रिसर्च करके कल के लिए ट्रेड निकाले जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल प्री ओपन मार्केट में ट्रेड निकाले जा रहे हैं, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले ये सारे के सारे ट्रेड्स निकाले जा रहे हैं। इनमें अगर किसी तरीके का कोई चेंजेस अगर कभी करना है तो वो चेंजेस मार्केट शुरू होने के बाद में किए जाते हैं। तो खैर, अभी आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हो, अब हम लोग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो ट्रेड है वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर को सेल करना है 184 के नीचे में। 184 जैसे ट्रिगर कर जाएगा सेल कर देंगे 184 के नीचे, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, जहाँ तक हमारी रिसर्च कहती है 184 के नीचे में एक अच्छा खासा स्ट्रांग एक्सप्लोजिव डाउन साइड का मूव आना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 185 का, टारगेट रहेगा 180 का। लेकिन ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, 184 की लेवल एक बार अगर एक्टिव हुई, उसके बाद में अगर मान के चलिए दो तीन अगर वो नेगेटिव टिक दिखा रहा है, ठीक है, तो आप एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट कब कब होंगे ध्यान दीजिएगा, 184 की लेवल सेलिंग में एक्टिवेट हुई, आप दो तीन टिक अगर नेगेटिव दिखाए आप एग्जिट हो जाएंगे। वहीं पे आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है, एक दो टिक ऊपर एक दो टिक नीचे, तब भी आप एग्जिट हो जाएंगे। और अगर मान के चलिए इमीजिएटली 1,500-2,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है एक लॉट में, आप एग्जिट हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करना है, ट्रेड अगर करना है तो आपके स्वयं की जिम्मेदारी के ऊपर में, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रेड्स
एजुकेशनल पर्पज से दिए जा रहे हैं। किसी भी कंडीशन में पूरा स्टॉप लॉस नहीं देना है जो 185 का लगा हुआ है वो। दूसरा ट्रेड रहेगा भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल को सेल करना है 345 के नीचे में। 345 के लेवल जैसे ही ट्रिगर होगी एक एक्सप्लोजिव मूव नीचे में हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, जो कि कल मिलती है नहीं मिलती है हम लोग देखेंगे। एग्जिट कब करेंगे? स्टॉप लॉस इसका है 347 का, टारगेट इसका है 340 का। एग्जिट कब करेंगे? 345 की लेवल एक्टिवेट होने के बाद में अगर कुछ नेगेटिव टिक आ रहे उस केस में एग्जिट करेंगे। वहीं पर में कंसोलिडेशन अगर हो रहा है कुछ ऊपर नीचे हो करके तब भी एग्जिट करेंगे, और 2,000-3,000 रुपये का प्रॉफिट अगर मिल रहा है तब भी आप एग्जिट करेंगे। पूरे स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करना है। उसके बाद तीसरा ट्रेड है HCL टेक। HCL टेक को बाय करना है 1043 के ऊपर में। स्टॉप लॉस रहेगा 1039, टारगेट रहेगा 1052। एंट्री और एग्जिट के रूल जो इसके पहले बताया वैसे रहेंगे। 43 के लेवल एक्टिवेट होने के बाद में एक एक्सप्लोसिव मूव ऊपर साइड में देखना मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने को मिलेगी। अब मिलती है नहीं मिलती है तो कल का मार्केट बताएगा। हिंडाल को बाय अबाउट 204.50, SL रहेगा 204, टारगेट रहेगा 207। एंट्री एग्जिट के रूल जो मैं इसके पहले बोला उसी को फॉलो करिएगा। इन्फी बाई रहेगा, इन्फी बाई अबाउट 795 के लेवल जैसी एक्टिवेट होगी कल इन्फी में एक एक्सप्लोसिव मूव ऊपर की ओर पेंडिंग है जो कि आपको क्विक स्कैल्प करने के लिए काम में आ सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 790 का, टारगेट रहेगा 810 का। हमारा जो सबसे आखिरी जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा टाटा एलेक्साई का, जिसको सेल के लिए हम लोगों ने रखा है। सेल रहेगा वो 735 के नीचे में। SL रहेगा उसका 740 का और टारगेट उसका रहेगा 710 का, 710 का। अब ये सारे के सारे ट्रेड में भी एंट्री और एग्जिट के रूल मैंने जो बताए पिछले शुरुआती के तीन ट्रेड में, मैंने अपोलो में भी बताया, भारती में भी बताया, HCL टेक में बताया, ये रूल सभी के सभी ट्रेड्स में लागू होता है। और सबसे अंत में और एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से कहना चाहूँगा, ये ट्रेड के ऊपर में अगर आप लोग ट्रेड करते हो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। एक बार इन ट्रेड्स के ऊपर में, तीन रिकमेंडेशंस के ऊपर में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं जो कुछ भी चीज़ें दे रहा हूँ मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके के एक्सप्लोजिव ट्रेड निकाल सकता हूँ। अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको कोर्स के बारे में और हमारे कौन से चैनल को किस तरीके से देखना है इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिली गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कल किस तरीके का रिजल्ट आता है नीचे कमेंट में जाकर के अपडेट करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।